नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। दलित सेना तालुका समिति कारगी की ओर से सिद्धश्री अत्ताल कंपनी को फिर से शुरू करने की मांग की गई। वायनाड में जमीन खरीदे पर सिद्धरामैया पर भाजपा का हमला, पूछा क्या गांधी परिवार के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह खतरे में भारत का लोकतंत्र, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का दावा। तोड़फोड़ और आगजनी, महाराष्ट्र के परभणी में भड़की हिंसा, संविधान के अपमान का बताया जा रहा है मामला। राज्यसभा में सरकार के प्रवक्ता बन गए जगदीप धनखड़, हेडमास्टर की तरह करते हैं बर्ताव, बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अब समाचार विस्तार से। दलित सेना तालुका समिति कालगी की ओर से चिंचोली के कालगी तालुके के गन्ना उत्पादकों के हित में सिद्धश्री अत्ताल कंपनी को फिर से शुरू करने की मांग की गई। इस अवसर पर सर्कल से कालगी तहसीलदार कार्यालय तक एक विरोध मार्च निकाला गया। दलित सेना के तालुका अध्यक्ष नागराज बेविंकर, सचिव रमेश कुडली, जिला संगठन सचिव खातलप्पा अंकन, चिंचोली अध्यक्ष राघवेंद्र सुलेबावी, कालगी चेडियास अध्यक्ष गौरी शंकर, सुरवरा हिंदू जागृति सेना अध्यक्ष शंकर चौक एवं विभिन्न किसान कार्यकर्ता, दलित सेना के सभी पदाधिकारियों के अलावा अन्य उपस्थित थे। कालगी से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जय भीम की रिपोर्ट। एनएसएस कार्यक्रम का चौथा दिन आज मलिंगेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के तहत सिद्धार्थ प्री ग्रेजुएट कॉलेज कोटदूर तालुका कालगी में आयोजित किया गया। सुबह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर मंजुला सीएचसी कालगी, सूर्यकांत फील्ड स्वास्थ्य शिक्षक मंतेश पटेल, आरकेएस के करीबी समन्वयक राजेश्वरी शिवशरणप्पा मकानपुर, अनुराधा और छात्रों के लिए स्वास्थ्य जांच करने के लिए चिकित्सा कर्मचारी थे। शाम को व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और इस अवसर पर दिव्य सानिधि की व्यवस्था अजीज बाब ने की। अतिथि के रूप में शिव कुमार शास्त्री, मल्लिकार्जुन धनुर उपस्थित थे। किरण शांत कुमार सालहली प्रिंसिपल सिद्धार्थ कॉलेज और सिद्धन्ना शेट्टी एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी, अर्चना कोरवार, सचिन बड़ीगैर, आनंद मठपति और बहुत सारे छात्र थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबूराव एलगुडा ने की। अविनाश मुलीमणि शिक्षा संस्थान कोटदूरू एवं डॉक्टर शंकर मुलीमणि कोटदूरू सहायक प्रोफेसर सीपी पाटिल चिंचोली और अन्य उपस्थित थे। कालगी से केपी न्यूज के लिए संवाददाता अजय भीम की रिपोर्ट। भूस्खलन प्रभावित केरल के वायनाड में घर बनाने के लिए जमीन खरीदने पर भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर हमला बोला है। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने सीएम से पूछा कि क्या वे कर्नाटक के लोगों को छोड़कर गांधी परिवार के लिए काम कर रहे हैं। बुनियादी जरूरतों के अभाव से जूझ रहे कर्नाटक की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि कर्नाटक को ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है जो अपने राज्य और यहां लोगों के विकास को अहमियत दे, न कि राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए अपने राज्य की जरूरतों को दरकिनारा कर दे। केरल के वायनाड में भूस्खलन के दौरान बड़ा विनाश हुआ था, यहां बड़ी संख्या में घर तबाह हो गए थे। इसके बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने केरल में भूस्खलन पीड़ितों के लिए 100 घर बनाने का वादा किया था। इसके बाद 9 दिसंबर को कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने केरल के सीएम पिनराई विजयन को पत्र लिखकर प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए 100 घर दान करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही वायनाड में घर बनाने के लिए जमीन खरीदने की बात कही थी। इसे लेकर राज्य के भाजपा के अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कर्नाटक की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, निवेश तेलंगाना की ओर खिसक रहा है, उत्तरी कर्नाटक उपेक्षित है और बेरोजगारी बढ़ रही है, मगर सीएम सिद्धरामैया जिन्होंने पहले केरल में घर बनाने का वादा किया था, अब इसे सुविधाजनक बनाने के लिए जमीन खरीद कर इसे दोगुना करना चाहते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने बुधवार को पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भारतीय लोकतंत्र की तुलना की और दावा किया कि यह खतरे में है और इस पर वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है। पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाए और कहा कि सोलापुर जिले के मार्कड़वाड़ी गांव में एक जन आंदोलन उभर रहा है, जहां के निवासी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर शक जता रहे हैं और मतपत्रों से दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ईवीएम पर शक जताने वाले और मतपत्रों से मतदान की मांग करने वाले लोगों की आवाज दबा रही है और इस मामले में कई ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पटोले ने यह भी आरोप लगाया कि महायुति गठबंधन की जीत को लेकर शक जताने वाले लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई शहरों और गांवों में लोगों ने महायुति की जीत और इसके बाद सरकार गठन पर सवाल उठाए हैं। अब फिलहाल इतना एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर तक हो सकता है। इस बीच बताया गया कि सीएम फडणवीस बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली दिल्ली यात्रा है। यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलेंगे। यह एक शिष्टाचार भेंट होगी। कैबिनेट विस्तार को लेकर एक भाजपा नेता ने बताया कि शिवसेना को गृह विभाग नहीं मिलेगा, उन्हें राजस्व विभाग भी आवंटित नहीं किया जाएगा। बातचीत में देरी की वजह पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि महायुति के सहयोगी भाजपा, शिवसेना और एनसीपी में बातचीत जारी है, जल्द ही सभी की सहमति के साथ अंतिम निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र के परभणी रेलवे स्टेशन के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास रखी संविधान की प्रतिकृति को मंगलवार को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद आगजनी और पथराव हुआ। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संविधान की प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त किए जाने की खबर फैलने के बाद करीब 200 लोगों की भीड़ प्रतिमा के पास एकत्र हो गई और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि इलाके में पत्थर फेंके गए और आगजनी भी की गई। अधिकारी ने बताया कि इस बीच शाम करीब 6 बजे अचानक प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगे। अधिकारी के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारियों ने नंदीग्राम एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट को नीचे खींच लिया और उसके साथ मारपीट की। संगारेड्डी जिला जहीराबाद के सांसद सुरेश कुमार, शिटकार विधायक के माणिकराव और सेटपिन कॉरपोरेशन के अध्यक्ष गिरिधर रेड्डी ने एसबी कन्वेंशन पास्तापुर में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक दिए। कुल 991 लाभार्थियों को 9,92,14,956 रूपये के चेक दिए गए। इस मौके पर सांसद सुरेश कुमार शिटकार ने बताया कि कांग्रेस सरकार का चुनाव हो गया, वादे एक एक करके शुद्ध कर रहे हैं और 1 तोला सोना कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के साथ जल्द ही देंगे। पूर्व को रायत बंधु भी संक्रांति महोत्सव को दिया जाएगा। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए मोहम्मद निमतुल्ला की रिपोर्ट। పంపిణీ చేయటం 11 కోట్ల ఆయన ఇతర
चिरागपल्ली पुलिस ने 10 दिसंबर 2024 की रात जहीराबाद टाउन सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम चिरागपल्ली एसआई राजेंद्र रेड्डी और उनके कर्मचारियों ने 10 पोकर खिलाड़ियों पर छापा मारा जो गोविंदपुर गांव के बाहरी इलाके में एक वन क्षेत्र में पोकर खेल रहे थे और रुपए जब्त किए गए। उनके पास से 1,42,000 रुपए, 10 सेलफोन और 3 कारें बरामद की और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र रेड्डी चिरागपल्ली सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम जहीराबाद टाउन ने चेतावनी दी कि गांव में पोकर, जुआ, मटका और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्ला की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार 11 दिसंबर को 12वां दिन है। आज भी लोकसभा में जार्ज सोरस और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हंगामा हुआ, जबकि राज्यसभा में सभापति के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ को सरकार का प्रवक्ता बता दिया है। उन्होंने कहा कि सभापति सदन में किसी स्कूल के हेडमास्टर की तरह बर्ताव करते हैं, वो कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं तो कभी सरकार के प्रवक्ता की तरह काम करने लगते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा राज्यसभा में व्यवधान का सबसे बड़ा कारण खुद सभापति है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सदन में एक्सपीरियंस नेता है, जर्नलिस्ट है, लेखक है, प्रोफेसर है, कई फील्ड में काम कर सदन में आए हैं, सबका 40-40 साल का अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति हेडमास्टर की तरह स्कोरिंग करते हैं, प्रवचन सुनाते हैं। अपोजिशन पार्टी के लोग 5 मिनट बोले वो 10 मिनट उनका भाषण भी होता है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बलों ने बुधवार को एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध बैग में संदिग्ध इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस आईईडी का पता लगाया और उसे नष्ट कर दिया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना के एक संयुक्त गश्ती दल ने कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा इलाके के लंगेट में पेट्रोलिंग के दौरान हाईवे किनारे एक संदिग्ध बैग देखा। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। बम निरोधक दस्ते ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बैग को एक सुनसान जगह पर ले जाकर नियंत्रित विस्फोट के जरिए उसे नष्ट कर दिया। सुरक्षा बलों की सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संदिग्ध बैग की सूचना मिलते ही हाईवे पर ट्रैफिक दोनों तरफ से रोक दिया गया था। ऑपरेशन पूरा होने के बाद हाईवे पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। हालांकि किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सुरक्षा बलों ने जांच शुरू कर दी है कि इस तरह की हरकत के पीछे किसका हाथ है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। दलित सेना तालुका समिति कालगी की ओर से सिद्धश्री अत्ताल कंपनी को फिर से शुरू करने की मांग की गई। वायनाड में जमीन खरीदे पर सिद्धरामैया पर भाजपा का हमला, पूछा क्या गांधी परिवार के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह खतरे में भारत का लोकतंत्र, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का दावा।
तोड़फोड़ और आगजनी, महाराष्ट्र के परभणी में भड़की हिंसा, संविधान के अपमान का बताया जा रहा है मामला। राज्यसभा में सरकार के प्रवक्ता बन गए जगदीप धनखड़, हेडमास्टर की तरह करते हैं बर्ताव, बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। एपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।